नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। फ्लैट बैली और राउंड ग्लूट्स आजकल का ट्रेंड है और सभी चाहते हैं कि फ्लैट बैली हो और राउंड ग्लूट्स हो। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने पेट को स्लिम फिट रखना, स्लिम रखना और जो टमी है बाहर निकलती हुई टमी को अंदर रखना और फ्लैट रखना, एकदम कर्वी फिगर रखना, तो आज से ही अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर लीजिए कि कितना जो मोटापा है वो आप लोगों के पेट पर अभी है, तो वो कम होने वाला है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को 8 मिनट्स के ऐसे वर्कआउट्स बताऊंगा जो आप लोगों को फ्लैट बैली और राउंड ग्लूट्स देगा। और ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों के 40 सेकंड्स के रहेंगे। सभी वर्कआउट से आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो राउंड शेप में होंगे, जो कि सभी की इच्छा है। और साथ ही आप लोगों का जो फिगर है वो भी एक कर्व लेगा, एक शेप लेगा। तो आप लोग जो हैं सुबह उठकर एक्सरसाइज करेंगे बैठकर, आप अगर आप लोग ग्लूट्स को एक अच्छा राउंड शेप देना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज आप लोग करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन सभी एक्सरसाइज से आप लोगों को मिलेंगे बेहतरीन रिजल्ट्स। और सभी एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोग जो हैं थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, क्योंकि वार्म अप करना आप लोगों की पूरी मसल्स को स्टिफनेस होने से बचाने के लिए है, ताकि मसल्स जो हैं वो जकड़ी नहीं रहें, उनको थोड़ा बहुत जो है आराम मिल जाए और ये कहें कि आप लोग लचीली हो जाएं। तो थोड़ा बहुत वार्म अप कर लीजिए किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले। अब योगा मैट जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए एक्सरसाइज को करने के लिए, और शूज़ जो है वो पहन के रखिए, क्योंकि शूज़ का पहनना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों के पास हार्ड सरफेस है तो अगर आप लोग उस पर भी एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए बेकार हो सकती है, इसीलिए शूज़ पहन कर रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और गो होने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सभी एक्सरसाइज के बीच में 10 सेकंड का रेस्ट रहेगा, उसमें आप लोगों को आराम करना है। 40 सेकंड की टोटल वर्कआउट रहेंगे, ईच वर्कआउट होंगे, और 9 एक्सरसाइज मैंने इसमें काउंट की है, 8 मिनट की एक्सरसाइज रहेंगी, ठीक है। सबसे पहली एक्सरसाइज की हम लोग बात करते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें कि ये फर्स्ट पहली एक्सरसाइज है, इसमें आप लोग जैसे साइकिल के पैडल लगाते हैं वैसे ही आप लोगों को पैडल लगाने हैं, यानी कि अपने पैरों को मूव करने हैं, घुटना मोड़ते हुए चेस्ट की ओर लेकर जाना है, अल्टरनेटिव लेग्स को आप लोगों को मूव करवाना है। और सिटिंग साइकिल टारगेट जो है इसका नाम मैंने रखा है सिटिंग साइकिल एक्सरसाइज। टारगेट मसल्स इसकी रहेंगी ग्लूट मसल्स, रेक्टस एब्डोमिन मसल्स, आर्म मसल्स, तीनों की तीनों मसल्स जो है वो इसमें एक्टिवेट होंगी, टोंड बनेंगी ये तीनों की तीनों मसल्स ही। और 40 सेकंड्स का ये वर्कआउट है, काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर चला हुआ है, उसे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट है, तो अपने आप को आईने में देख लीजिए कि कितनी जो है बॉडी आप लोगों की टोंड है या नहीं है, और बैली कितनी टोंड है, या आप लोगों की ग्लूट मसल्स कितने टोंड है। 10 सेकंड्स का रेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप लोग नेक्स्ट वर्कआउट पर चलिए। और नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों को पता है हाई नी एक्सरसाइज है, नंबर दूसरी एक्सरसाइज है हाई नी। इस एक्सरसाइज को करना भी बहुत आसान है और इस एक्सरसाइज के रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये आप लोगों को टोटल बॉडी फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करता है, इवन आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती हैं, और रेक्टस एब्डोमिन भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। तो ग्लूट्स को अगर आप लोगों को राउंड शेप देना है, बैली को रिड्यूस करना है, तो हाई नी एक्सरसाइज को आप लोग 40 सेकंड्स के लिए अपने रूटीन्स में ऐड करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप लोग फास्ट करते हैं, अगर कोई इंजरी होती है तो प्लीज़ उससे सावधान रहिए। 40 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट मिल जाता है, तो मसल्स को मजबूती देने के लिए, टोंड बनाने के लिए रेस्ट देना भी ज़रूरी है, तो 10 सेकंड का मसल्स को रेस्ट दे दीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के लिए, और इसमें आप लोगों को अपने ग्लूट्स को पीछे की ओर पुश करना है और आगे की ओर बैंड होना है। तो इस एक्सरसाइज का जो नाम है वो मैंने इसी प्रकार रखा है, ग्लूट बैक पुश फॉरवर्ड बैंड, यानी कि ग्लूट्स को आप लोगों को पीछे की ओर पुश करना है और आगे की ओर फॉरवर्ड होना है, आप लोगों को बैंड होना है। अगर आप लोग देखें तो इसमें आप लोगों को नीचे की ओर बैठना नहीं है, अपने आप को आगे की ओर झुकाना है, तो ग्लूट्स अपने आप ही पीछे की ओर पुश हो जाएंगे। तो टारगेट मसल्स ग्लूट रहेगी और आर्म मसल्स रहेंगी इसकी। अपने हाथ में कुछ वेट भी आप लोग रख सकते हैं। तो ग्लूट्स का एक शेप देना ये एक्सरसाइज आप लोगों को बताती है, तो ग्लूट्स को एक राउंड शेप आप लोगों को मिलेगी इस एक्सरसाइज से। तो तीन एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को मिल जाता है फिर से 10 सेकंड का रेस्ट अपनी बॉडी को टोंड बनाने में, खुश रहने में।
और नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों का रहेगा लंजेस, तो फॉरवर्ड लंजेस आप लोगों को करना है और अल्टरनेटिव लेग्स के साथ करना है, यानी कि दोनों लेग्स के साथ आप लोगों को लंजेस करना है। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज ये रहेगी, अगर हम लोग इसकी टारगेट मसल्स देखें तो ग्लूट्स मसल रहेगी, आप लोगों की हेमिस्ट्रिंग मसल्स रहेगी, काफ्स मसल्स रहेगी, ये तीनों ही मसल्स इसमें आप लोगों की टोंड बनने में टोंड बनेगी। साथ ही आप लोग कहेंगे कि इसमें भी आप लोगों की बहुत सारी कैलोरीज भी आप लोगों की बर्न हो सकती हैं, तो आप लोगों का टोटल बॉडी फैट भी इसमें शामिल होता है और आप लोगों का वर्कआउट भी इसमें कंप्लीट होता है। तो ग्लूट्स को एक अच्छी शेप देना है तो फॉरवर्ड लंजेस भी आप लोग अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए, 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। अब इन सभी एक्सरसाइज से आप लोग अपने पेट को स्क्वीज कर लेंगे, अंदर की ओर कर लेंगे, और जैसा कि टाइम अभी चल रहा है रेस्ट का तो रेस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों के पास है, इसमें आप लोगों को क्रंचेस करने हैं, लेकिन वो भी खड़े रहकर, अल्टरनेटिव लेग क्रंचेस, अल्टरनेटिव नी टू चेस्ट क्रंचेस आप लोग कह सकते हैं। नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज है ये, 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को करना है। इसकी अगर हम लोग टारगेट मसल्स देखें तो आप लोगों की रहेगी ग्लूट मसल्स इसकी टारगेट मसल्स रहेगी, आप लोगों की एक्सटर्नल ओब्लिक्स मसल जो हैं वो इसकी टारगेट मसल्स रहेंगी, क्योंकि एक्सटर्नल ओब्लिक्स भी इससे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं और वो भी टोंड बनती हैं और बहुत सारी कैलोरीज भी बर्न होती हैं, तो आप लोगों की टोटल बॉडी फैट होने में भी आप लोगों को मदद मिल सकती है। तो ये वर्कआउट ही आप लोगों का बैली को रिड्यूस करना है, आप लोगों को बॉडी को एक शेप देना है और राउंड ग्लूट्स भी आप लोगों को मिलना चाहिए। अब आप लोगों के पास आ जाता है फिर से रेस्ट, यानी कि 10 सेकंड का रेस्ट आप लोगों को मिल जाता है, तो 10 सेकंड का रेस्ट आप लोगों को कंप्लीट करना है और उसके बाद में आप लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट, यानी कि माउंटेन क्लाइंबर, चाहे वो माउंटेन क्लाइंबर हो या क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर हो, इसमें आप लोग 6वीं एक्सरसाइज जो है काउंट करें, 6ठी एक्सरसाइज है, 40 सेकंड के लिए आप लोगों को करना है और इसकी भी टारगेट मसल्स आप लोगों की ग्लूट रहेगी अगर आप लोग फोकस में देखना चाहें, और एक प्रकार से प्लैंक एक्सरसाइज इसमें काउंट होती है, तो आप लोगों की जो रेक्टस एब्डोमिन है वो भी इससे एंगेज रहती है, टोंड बनती है, और इससे हाथ भी आप लोगों के जो मैंने कहा कि आप लोगों के जो बिंगो आप लोगों के जो हाथ रहते हैं मतलब लटकने लग जाती है सर भी, वो भी आप लोगों की इससे ठीक हो सकती है। तो ये 40 सेकंड भी आप लोगों को इस एक्सरसाइज को ज़रूर देने हैं और उसके बाद में आप लोगों के पास आ जाता फिर से रेस्ट, तो आराम कर लीजिए, क्योंकि आराम करना मसल्स को मजबूती देने में हेल्प करना है और आप लोग ये बात को समझ के चलिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि 7th वाली एक्सरसाइज की ओर, और इसमें आप लोगों को करना है स्पाइडरमैन प्लैंक। स्पाइडरमैन प्लैंक का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ये खड़े रहकर करना है, और खड़े रहकर कैसे करना है, दोनों हाथों को अपनी पीछे की ओर लगा लीजिए, यानी कि जस्ट सर के पीछे की ओर लगा लीजिए। अब थोड़ा सा झुकते हुए आप लोगों की कोहनी को अपने घुटने से टच कीजिए, सेम टू सेम, यानी कि जो कोहनी है उसी साइड की घुटना जो है आप लोगों को आपस में टच करना है, तो पैर को उठाते हुए घुटना मोड़ते हुए जो है आप लोग इसको टच कर सकते हैं। तो 40 सेकंड्स के लिए ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को करनी है, टारगेट मसल्स इसकी एक्सटर्नल ओब्लिक रहेगी और ग्लूट मसल्स रहेगी। 40 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं फिर से मिल जाता आप लोगों को रेस्ट, तो अपने आप को रेस्ट दीजिए और बॉडी को टोंड बनने में, बॉडी को स्लिम फिट बनने में ये आप लोगों की हेल्प कर सकता है। नंबर 8वीं एक्सरसाइज है आप लोगों की स्क्वाट, लेकिन ये डिफरेंट टाइप का स्क्वाट है, इसको हम लोग सूमो स्क्वाट बोलते हैं। इस स्क्वाट को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है और इसमें आप लोगों को बैक साइड में अपने ग्लूट्स को पुश करते हुए नीचे की ओर बैठना है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ग्लूट्स पहले पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी कि बैक साइड की ओर, फिर नीचे की ओर आ रहे हैं, तो अंदर की ओर जो है स्क्वीज हो रहे हैं, तो इससे आप लोगों के ग्लूट्स को एक राउंड शेप आप लोग दे सकते हैं। साथ ही आप लोगों की जो थाइज़ की मसल्स हैं, सेल्यूलाइट है, उसे आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करनी है, ठीक है। और ये 40 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद 10 सेकंड का आप लोगों को फिर से क्या मिल जाता है, रेस्ट। 10 सेकंड का रेस्ट मिलने के बाद आप लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि 9वीं वाली एक्सरसाइज की ओर, और इसमें आप लोगों को ग्लूट से पूरा का पूरा सर्कल बनाना है, ठीक है। तो 9वीं एक्सरसाइज है, 40 सेकंड के लिए करनी है, और इससे आप लोगों को दोनों हाथ जो हैं आप लोगों के सरफेस पर रहेंगे और दोनों पैरों को आपस में चिपकाते हुए ग्लूट से एक पूरा का पूरा सर्कल जो है आप लोगों को बनाना है। तो ये आप लोगों की 9वीं एक्सरसाइज है, इसे आप लोग कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट टारगेट मसल्स वही बैली फैट रिड्यूस होगा, तो टारगेट मसल्स रेक्टस एब्डोमिन रहेगी और रेक्टस के साथ साथ आप लोगों के ग्लूट्स जो है राउंड शेप में आएंगे। इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जहां भी आप लोग शेयर करना चाहें, और लाइक भी करें। धन्यवाद।